गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं आज फिर सपने किचन में आ गई एक नई डिश बनाने, और वो है स्टफ्ड कैबेज करी। ये रेसिपी एकदम यूनिक है और इसमें तीन रेसिपी का कॉम्बिनेशन है। मैं वो आगे बताऊंगी वो क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो चलिए देर ना करके, थोड़ा ये लेंथी प्रोसेस है, बट आई नो आप लोग तो मतलब खाना बनाना आप लोग पसंद करते हो, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट इनटू द रेसिपी। तो मैंने पैन को बिठा दिया है इंडक्शन पे और ऑन भी कर दिया है। मेरा पैन हीट अप भी हो चुका है। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि इस स्टेप में सबसे पहले हम लोग करेंगे एक मिक्स वेज टाइप की रेसिपी। तो ऐड कर दिया है और बाकी ऑयल हम लोग जो करी होगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल को हीट अप कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो स्टफिंग है वो पहले हम लोग इसको बनाएंगे, जो एक वेज टाइप की रेसिपी होगी। तो चलिए बना लेते हैं। अभी हम लोग क्योंकि तेल हीट अप हो चुका है, अभी सबसे पहले हम एक तेज पत्ता ऐड कर देते हैं और जीरा भी साथ में हम लोग ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड करते हैं, एक चम्मच के करीब जीरा हम लोग ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते ताकि तो अभी हमने इसमें ऑनियन और गार्लिक ऐड किया है। ऑनियन को ऐसे स्लाइस में रफली कट करके इसमें ऐड किया है। तो आफ्टर एडिंग ऑनियन और गार्लिक हम अब इसमें ऐड करेंगे बहुत ही फाइनली चॉप्ड ऑनियन फिर से। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे जिंजर और साथ में टोमेटो का भी फाइनली कट टोमेटो भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर, जो है जीरा का पाउडर। करीब कितना सा जीरा पाउडर ऐड करें और साथ में सारा मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी, कितना सा, और साथ में ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। तो अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, जस्ट पानी का छींटा। अभी क्योंकि मसाला रेडी हो चुका है, अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे
जो स्टफिंग की जो वेजिटेबल्स है वो सारे, वो आपकी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैं कैरेट ऐड कर रही हूँ, कैबेज की कुछ कैबेज की जो है ना ग्रेटेड कैबेज ऐड कर रही हूँ, और जैसे बीन्स, पोटैटो, जो भी आप लोग जो भी ऐड करना चाहते हैं सारे वेजिटेबल्स इसमें जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मटर मैंने बॉईल करके रखा था, तो इसको अभी हम लोग ऐड करेंगे। तो ऑलमोस्ट हो गया है हमारा रेसिपी जो भी स्टफिंग है। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड, अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। तो हमारा सब्जी रेडी है, तो इसको अभी जो स्टफिंग है वो रेडी है। अभी हम इसको बोल में निकाल लेते हैं। जो है इसका फीलिंग वो हमने रेडी कर लिया है। और ये रहा कैबेज। कैबेज को हमने हल्का सा बॉईल कर लिया है। अब ये जो स्टफिंग है इसको हम लोग कैबेज के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। इसको इस तरह से यहाँ पर रख के भी आप कर सकते हैं, हाथ में थोड़ा गर्म है तो मैं यहाँ पर रख के फिल कर। अब इसको ऐसे रैप करेंगे। ठीक है, इस तरह से रैप कर लेंगे, जैसे नॉर्मल फोर फोल्ड करते हैं, ऐसे रैप करके यहाँ पर साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ऐसे ऐसे फोर फोल्ड रैप करके हम लोग साइड में रख देंगे। अब ऐसे सारे कैबेजेस को हम लोग रैप कर लेते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। मीनवाइल हम इसको रैप करके, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो अभी मीनवाइल पैन को मैंने फिर से बिठा दिया है। अभी इसको इसका जो आलू, इस कढ़ी में आलू भी ऐड होगा, तो उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे।